हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीड्स फैशन। तो ये है पार्ट सेकंड। तो मैं डिफरेंट टाइप के सूट परचेज की हूँ, तो इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो फटाफट से वीडियो की शुरू करते हैं। और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से फुल वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो आउटफिट है वो फ्लिपकार्ट से मैंने कुर्ती परचेज की थी, शॉर्ट क्रॉप कुर्ती परचेज की थी मैंने, लेकिन इसकी जो लिंक है वो मुझे मिल नहीं रही है अभी, नहीं तो मैं मेंशन कर देती। अगर वो मिलती है तो मैं ज़रूर करूंगी। तो ये मैंने कुर्ती परचेज की थी बहुत पहले, तो इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी एकदम बढ़िया है। तो आपको मैं इसको वेयर करके भी आपको दिखाती हूँ कैसा इसका लुक है। तो परचेज करने तो लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी, जो कि आपको ये फुल स्लीव में कुर्ती मिलेगी और इसमें प्रिंटेड डिज़ाइन है फ्लावर्स के। तो लिंक मिलती है तो मैं ज़रूर मेंशन करूंगी। तो बात कर लेते हैं हमारी सेकंड आउटफिट की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया था। ये जिग जैग में एक आपको कोट सेट मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का इसका लुक है कोट सेट का। ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज मिला है, तो मैं आपको इसको वेयर करके भी आपको दिखाऊँगी। लेकिन क्वालिटी वाइज का स्टफ़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी लगी मुझे। और स्ट्रेचेबल इसका जो ऊपर का टॉप रहेगा स्ट्रेचेबल, और प्लाजो जो है इसकी वो भी स्ट्रेचेबल रहेगी। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक है टॉप का। इसमें जो आपको साइजेस है वो एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल तक मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही मुझे हाई प्राइस लगा। इसका प्राइस जो इसको 1500 से 1600 के आसपास आपको ये मिलेगा। और इस कोट सेट का जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन में है। और अगर आपको परचेज करना है तो लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी, तो आपको मैं इसको वेयर करके भी दिखाती हूँ कि कैसा इसका लुक है। थर्ड आउटफिट है ये अमेजोन का कोट सेट, जो कि आपको इसमें एक बेल्ट और एक पैंट और एक ये आपको कुर्ती टाइप में कॉलर कुर्ती मिलेगी, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था। लेकिन अमेजोन पर अभी ये बिल्कुल भी नहीं है, इसकी फ़ोटो वोटो सब कुछ हट चुकी है। तो मैंने सेम इसी को फ्लिपकार्ट पर सर्च किया, तो फ्लिपकार्ट पर ये मुझे मिल गया, तो मैं उसकी लिंक जो है वो मैंशन कर दूँगी। इसमें जो आपको साइज़ है वो स्मॉल से डबल एक्सल तक मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो 1100 के आसपास रहेगा। क्वालिटी वाइज एकदम बढ़िया है। तो इसका जो फैब्रिक है वो रेयन में है। तो परचेज लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से इसकी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। तो ये फुल स्लीव में आपको ये कुर्ती मिलेगी, और इसके कॉलर के नीचे आपको बटन की डिटेलिंग मिलेगी, और स्लीव में भी बटन की डिटेलिंग मिलेगी आपको। तो प्रिंटेड डिजाइन मिलेंगे, और दोनों ही सेट में आपको ये प्रिंटेड डिजाइन देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक बेल्ट भी है कुछ इस तरीके की, इसमें बैक के साइड जो है प्रिंटेड डिजाइन मिलेंगे, और इसके आगे आपको ये लेस मिलेगी लगी हुई इसकी बेल्ट के आगे। बेल्ट का जो लुक है काफ़ी अच्छा, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी प्यारा लगा, तो आपको मैं इसको वेयर करके भी दिखाती हूँ आगे वीडियो में। तो ये है आज का हमारा फोर्थ आउटफिट, इसे भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था। बहुत ही प्यारा ही सूट है ये, नायरा कट में इसकी ये कुर्ती है, ये इसकी पैंट है, स्ट्रेचेबल ये पैंट रहेगी, और पूरे ही सूट में एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। इसमें जो आपको साइजेस है वो लार्ज से ट्रिपल एक्सल तक मिलेगा, स्मॉल मीडियम साइज में नहीं था, और इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसकी कुर्ती देखिए, कुर्ती जो है काफ़ी प्यारी है, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया हुआ है इसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है इसमें। तो ये फुल स्लीव में आपको कुर्ती मिलेगी, और ये स्लीव में ये डिटेलिंग दी हुई है, एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग दी हुई है, तो काफ़ी ही प्यारा लुक है और काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसमें। नायरा कट में आपको ये कुर्ती मिलेगी, इसमें डिज़ाइन देखिए, इसके साइड साइड में आपको ये डिज़ाइन मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, और हल्के हल्के फॉयल मीरा वर्क का काम किया हुआ है। और राउंड नेक में आपको ये डिज़ाइन मिलेगा नेक का, और ये बैक का लुक है, बैक का लुक कुछ इस तरीके का एकदम सिंपल है। और इस सूट का जो प्राइस है वो आपको 1000 के अंडर ही मिलेगा ये सूट। और मैं इस सूट को जो रेटिंग दूंगी वो मैं 10 out of 10 दूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सूट, क्वालिटी वाइज भी एकदम बढ़िया है। तो ये इसका दुपट्टा है कुछ इस तरीके का, दुपट्टे के चारों तरफ आपको लेस लगी हुई मिलेगी। तो मैं इसको वेयर करके आपको लुक भी दिखाती हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ आउटफिट की, जो कि एक सूट है। इसमें आपको कुर्ती, दुपट्टा और पैंट मिलेगी, और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको साइजेस जो है वो सारे मिल जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो साइजेस है वो स्मॉल से 5XL तक आपको मिल जाएगा। और फैब्रिक की बात कर लो, फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है, कॉटन ब्लेंड में इसका फैब्रिक है। तो आप इसका लुक देखिए कैसे ये लुक है।
ये है आज का 6th आउटफिट जो कि एक कुर्ती है और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। इसमें आपको ये वाली कुर्ती मिलेगी ब्राउन कलर की। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर आप ये सिंगल लेते हो तो आपको ये 400 की पड़ेगी। अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हो तो दो कुर्ती आपको ये 550 की मिलेगी। तो कॉम्बो में आपको एकदम चीपेस्ट रेट में मिल जाएगी। और इसमें आपको जो साइजेस है वो स्मॉल से 5XL तक ईजिली मिल जाएंगे। और इसका जो फैब्रिक है वो रेयोन में है। तो आप इसका लुक देखिए कैसा इसका लुक है। ये है आज का 7th आउटफिट जो कि एक मैंने शरारा परचेज किया था मीशो से। और जब ये मुझे रिसीव हुआ सेम तो मुझे मिला ही, लेकिन क्वालिटी वाइज एकदम गंदा था, बहुत ही बेकार लगा मुझे। और इसका जो प्राइस था वो 1600 था और मैंने इसको फ्लिपकार्ट पर भी सर्च किया। फ्लिपकार्ट पर इसका जो प्राइस है 2400 के आसपास आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट की क्वालिटी मुझे लग रहा था अच्छी हो, इसकी क्वालिटी तो बहुत ही बेकार थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो अगर आपको परचेज करना है तो फ्लिपकार्ट की और मीशो की दोनों ही मैं कोड जो लिंक है वो मैं मेंशन कर दूंगी। तो अभी मैं आपको इनकी थोड़ी वो डिटेल दे देती हूँ। तो फैब्रिक जो इसका है वो जॉर्जेट में है और इसकी जो इनर है वो कॉटन में है, तो स्ट्रेचेबल की शरारा रहेगा। और इसकी कुर्ती में आपको फॉयल मिरर वर्क का काम मिलेगा, हल्के हल्के फॉयल मिरर वर्क का काम मिलेगा। तो सेम तो था लेकिन क्वालिटी थोड़ी बेकार थी। तो ये इसका दुपट्टा है कुछ इस तरीके का। दुपट्टे की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, दुपट्टे की लेंथ जो थी वो अच्छी खासी दी हुई थी और फ्लेयर भी अच्छा खासा था। तो मिलेगा ये फुली स्टिच रहेगा। फ्लिपकार्ट पर भी आपको एक्सेल ही साइज मिलेगा, इसके अलावा और साइज नहीं है। तो आपको मैं इसका लुक दिखाती हूँ इसको वेयर करके कि कैसा इसका लुक है। ये मैंने स्टिच नहीं करवाया तो जैसा था मैंने इसको वैसे ही वेयर किया है। तो मैं आपको एक बार लुक दिखाती हूँ कैसे इसका लुक है। तो ये आज का हमारा लास्ट आउटफिट रहेगा और 9th आउटफिट रहेगा जो कि एक सूट है जो कि मैंने मीशो से परचेज किया था। इसका लुक जो है वो काफ़ी प्यारा है। इसमें आपको एक पैंट मिलेगी ब्लैक कलर में जिसमें आपको इसके इनर अटैच मिलेगी और ब्लैक कलर का ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। इसमें स्ट्रेचेबल ये पैंट रहेगी और इसमें आपको एक कुर्ती मिलेगी जो कि ट्रांसपेरेंट होएगी। फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट में है। इसका लुक देखो कितना प्यारा है कुर्ती का। इसके वजह से इसके जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये पूरा सूट इतना अच्छा लगा मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये लुक क्या है, इसमें जो नेक का डिज़ाइन वो काफ़ी प्यारा है। वी नेक में आपको डिज़ाइन मिलेगा, सीक्वेंस वर्क में इसमें काम किया हुआ, फ्लावर डिज़ाइन किया हुआ सीक्वेंस वर्क से। थोड़े बहुत आपको हल्के फुल्के ये सीक्वेंस जो है चुभेंगे जब आप इसको वेयर करोगे। तो मैं आपको जूम करके इसका नेक का डिज़ाइन दिखाती हूँ। नेक का जो लुक है वो काफ़ी प्यारा है। स्ट्रिप में ये कुर्ती रहेगी और इसमें आपको अलग से स्लीव नहीं मिलेगी। बैक का लुक एकदम सिंपल रहेगा, बैक में आपको ये लटकन मिलेगी, डोरिया मिलेगी आपको। और ये लुक था इसका। और दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा खासा है। नायरा कट में ये आपको कुर्ती रहेगी, इसमें डोरी अटैच है बैक पर। और इसमें जो दुपट्टा है इसका जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। दुपट्टे में भी आपको चारों तरफ जो सीक्वेंस वर्क के जो फ्लावर के डिज़ाइन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये इसका दुपट्टा है, आप खुद देखिए चारों तरफ लगे हुए हैं ये पैटर्न। और इसमें आपका बात कर लेते हैं हम प्राइस की। प्राइस जो है वो 1000 के अंडर रहेगा ये सूट। और इसको मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ कैसा इसका लुक है। तो ये आज के कुछ आउटफिट थे, कुछ सूट थे जिसका रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया। तो सारी जो परचेज लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसकी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।